बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम के व्यूअर्स, आपका खुश आमदीद मेरे चैनल में। आज अपने किचन में बनाने वाले बहुत ही मजेदार किस्म की अमरूद की चटनी, इसको हाजमा चटनी भी बोला जाता है। इंशाल्लाह आपको चटनी बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। करते हैं आज की रेसिपी शुरू, बताते हैं मजेदार चटनी कैसे बनती है। बिस्मिल्लाह करते हैं व्यूअर्स, बनाते हैं अपनी अमरूद की चटनी। ये बहुत जबरदस्त किस्म की चटनी बनती है अमरूद की, हाजमे के लिए भी बहुत अच्छी होती है और वैसे खाने के लिए बहुत ज्यादा मजे की होती है। ठीक है, उसके लिए मैंने यहाँ लिए हैं 3 अमरूद। ये देखिए, कच्चे वाले अपने अमरूद यूज करने, उसके अंदर से जो बीज थे मैंने वो निकाल दिए। ठीक है, जो सीड्स होते हैं वो मैंने निकाल दिए, अच्छे से साफ कर लिए। लेकिन ये देख सकते हैं अमरूद जो है वो कच्चे वाले। अब ये हम एक ब्लेंडर के अंदर अमरूद डाल देंगे सारे, 3 के 3। ठीक है, इसका अगर वेट की बात की जाए तो ये 250 ग्राम है तकरीबन। ठीक है, अब इसके साथ मैंने यहाँ ली है 2 हरी मिर्च तेज वाली, ये भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। साथ में मैंने लिया धनिया। ठीक है, ये देखिए 2 से 3 टेबल स्पून धनिया है, हरा धनिया, ये देखिए ये इसके अंदर ऐड कर देंगे। उसके साथ मैंने यहाँ लिया है पुदीना, ये देखिए पुदीना है 1 टेबल स्पून, ये भी इसके अंदर ऐड कर देंगे, फ्रेश पुदीना। साथ में लिया ये देखिए 3 स्लाइसेस अदरक के, ये देखिए साफ कर लिए अच्छी तरह, ये इसके अंदर ऐड कर देंगे, इससे फ्लेवर बहुत मजे का आता है। ठीक है, उसके साथ मैंने यहाँ लिया नमक हंसपे दूर जितना आप खाना पसंद करें। ठीक है, ये इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया। उसके साथ मैंने लिए कुटी लाल मिर्च, ये भी हमने लिए 1 टीस्पून, ये भी इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह साफ कर लेंगे। इंशाल्लाह आपकी चटनी बहुत ज़्यादा मज़े की और बहुत ज़्यादा लजीज बनने वाली है। ठीक है, उसके साथ मैंने लिए यहाँ पर दही, 1/2 प्लेट दही लिए। ठीक है, ये भी हम इसके अंदर डाल देंगे। ठीक है, साथ में मैंने लिए 2 नींबू, इनमें से बीज पहले से निकाल लिए, अब ये इसके अंदर सारा पानी निकाल देंगे। ये देखिए ये इसके अंदर ऐसे सारा इसका नींबू पानी डाल देंगे। अब इसके साथ नींबू पानी डालने के बाद, ये नींबू निचोड़ने के बाद हमने इसके अंदर लेना है थोड़ा सा पानी, तकरीबन 1/2 कप से भी कम पानी ऐड करने के बाद हमने इसको अच्छी तरह ब्लेंड कर लेना है। व्यूअर्स आप लोग देख सकते हैं कितनी जबरदस्त किस्म की, ये देखें हमारी चटनी बन के होगी रेडी, कितने मजे की लग रही है और खुशबू भी बहुत मजे की आ रही है। ये देखें चटनी को गार्निश करने के लिए, देखें मैंने अमरूद को साइड पे लगा दिया एक बाउल के अंदर, ये देख सकते हैं आप। ये देखें अब ये देखें अपनी चटनी को इसके अंदर सर्व करते हैं। ये देखें कितने मजे की गाढ़ी और मजेदार खट्टी मीठी, ये देखें चटनी हमारी बन के होगी रेडी। ये देखें कितने व्यूअर्स, ये देखें कितनी जबरदस्त किस्म की हमारी चटनी बन के होगी रेडी। व्यूअर्स कैसे लगी आज की रेसिपी, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलेगा। मिलेंगे एक नई और जबरदस्त रेसिपी के साथ, तब तक मुझे इजाजत, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज और खुश रहें।